चुके हैं लोकेशन पर, यहाँ पर अरमान सर भी हैं और यहाँ पे पीछे आपको दिख रही है ये लड़कियाँ बनी है इसमें पुलिस, और यहाँ से मैं निकल रही हूँ, मेरी एंट्री हो रही है और ये मेरे पीछे पीछे चल रही हैं। और ये ना लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत प्यारी लोकेशन थी। फिर मैंने एक टेक और दिया जिसमें मेरा चलने का टेक था, और कैमरामैन थे हमारे टिंकू भैया। यहाँ पे अरमान जी के सर पे छतरी लेके घूम रहे थे क्योंकि यहाँ गर्मी, सच में गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इतनी गर्मी में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में गाने का शूट पूरा किया है यहाँ पे। अरमान जी ढाका भैया को बता रहे थे उनको कैसे करना क्या करना, इतनी देर में खाना आ गया था, मैं अरमान जी को आवाज़ लगा रही थी आ जाओ खाना खा लो, अरमान जी कह रहे मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो आए, उसके आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद यहाँ पे सारी FBI वाली लड़की जो बनी हुई थी ना वो सारी खा रही है मैगी, और अरमान और मैं खा रहे हैं रोटी। मैंने अरमान जी को रोटी दे दी थी, मैं ऑलरेडी खा, मेरे बालों का हेयर स्टाइल होना स्टार्ट हो गया था अभी, मैं करा रही थी कल से सूट के साथ। और ये मेरी नेक्स्ट ड्रेस है ब्लैक कलर की जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ज़ारा की ड्रेस है और इसमें मैंने कर्ल्स कराए, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप भी बताना मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ में ये अपना पूरा गाना गा रहे थे और साथ में रशियन गर्ल्स हैं, पीछे कमांडोज हैं जो कि बने हुए थे शूट के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छा लोकेशन था, बहुत अच्छा फील आ रहा था, और अरमान जी को बार बार मैं खींच के लड़ती कि जाओ जल्दी करो ख़त्म क्योंकि आगे का टेक भी लेना है। यहाँ पे टिंकू भैया टेक ले रहे थे और ये गाना बहुत ही जल्दी आने वाला है 1 तारीख को। यहाँ पे झूला लगा हुआ था तो मैंने सोचा झूले पे भी थोड़ी वीडियोज़ बनवाती हूँ, और लोकेशन सच में इतनी अच्छी थी, एक से एक लोकेशन थी यहाँ पे। यहाँ पे मैं झूला झूल रही हूँ और ढाका भैया मुझे झूला दे रहे हैं क्योंकि इसमें एक सीन था ढाका भैया का। और यहाँ पे ये लोकेशन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, गाँव की फील आ रही थी, साथ में घोड़ा भी था, घोड़ा बाद में आया था, अरमान जी मेरी वीडियो बना रहे थे क्योंकि बहुत प्यारी वीडियो बन रही थी यहाँ पे। फिर मैं अरमान जी को नए कपड़े देने गई थी जो उनके नेक्स्ट टेक के लिए थे, शर्ट सेलेक्ट कर रही थी उनको दे रही थी कौन सी चाहिए, और ये वाला ड्रेस है मेरा नेक्स्ट ड्रेस जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 2018 से मेरे पास पड़ा मेरा, पर मैंने पहना नहीं था, ये देखो मैं इसमें लग रही थी बहुत ही ज़्यादा सुंदर। आप भी बताना कैसे लग रही। यहाँ पे ये नेक्स्ट लोकेशन है जहाँ पे अरमान जी अपना टेक देने के लिए रेडी थे, मैंने कहा बहुत सुंदर, मेरा टेक होना था और यहाँ पे मैं बैठ चुकी टेक देने के लिए, टेक दे चुकी थी मैं, और यही पूरा सीन जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल खेल के आएगा। यहाँ पे किचन भी था, बार भी था, साथ में बुक वाला शेल्फ था जहाँ पे किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। तो भाई हम कुछ खाने जा रहे थे, उसके बाद हम पहुँचे, हमारी गाड़ी की पॉलिशिंग वगैरह होनी थी, वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँच के मैंने रेंज रोवर देखी, रेंज रोवर में मैं बैठी, अरमान जी बैठे, यहाँ पे भी एक टेक हुआ हमारा। और इस टेक के बाद हम लोग ऊपर पहुंचे खाना खाने के लिए क्योंकि हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, और भूख के देखो आप ही, आपको दिखाती हूँ कि खाने में बहुत कुछ था गाइस, इतना कुछ था कि जो हम लोग नहीं खाते हैं वो सब था गाने में। फिर यहाँ पे भी एक टेक हुआ, टेक होने के बाद जो है हम ऊपर जाएंगे। ये भैया थे जिन्होंने गाड़ी का काम किया, यहाँ देखो क्या क्या लगा रखा था खाने में, पर हमने कुछ नहीं खाया। तो अब मैं घर पे पहुंच गई, मैंने मुँह साफ़ कर लिया, तेल भी लगा लिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब।